सिखाया कि एक इंटेलिजेंस क्या होता है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनिक श्रीमंती, मराठी चला मी म्हणतो भावना की श्रीमंती, रिचनेस। इतनी सारी भावनाएं हैं, इतनी सारी छटाएं हैं, ये हमें लता जी के गायन से महसूस हुआ। दुख, सुख, विरह, प्रेम, वंचना, आप कोई भी भावना उठाओ, एक छटा नहीं है ना उसकी, लाखों छटा है। दुख तो कई प्रकार के दुख है, सुख तो कई प्रकार के सुख है, तो ये सब लता जी के गायन में दिखता है। हम आगे देखेंगे कि एक आनंद भी कितनी छटाएं लेके आता है। एक ही पिक्चर में, एक ही मूवी में, एक ही नायिका के दो आनंदी गीतों में भी अलग तरीके के आनंद है। इसलिए एक ही वहीदा रहमान पर चित्रित हुआ, आज फिर जीने की तमन्ना है का आनंद पिया तो से नैना लगे के आनंद से अलग है। वो कैसे है हम गाते गाते आपको बताएं। तो कुछ इस तरह इस सफर से, सफर पे हम निकल चुके हैं। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि लता, जैसे संजीव जी ने कहा कि हम उस लोगों के, उन लोगों के जैसे कि एक ही बाजू देखते हैं, एक ही एंगल देखते हैं, तो कई एंगल से देखने वाली ये चीज़ है। हम लता सिर्फ ये नहीं है कि कमाल का सुरीलापन, कमाल का सुरीलापन मतलब लता नहीं है, कितनी भी कठिन हरकत लेने का एक लेने की क्षमता, इसका भी मतलब लता नहीं है। कमाल की रेंज, ये भी लता नहीं है। लता है इन सभी चीजों का सही प्रमाण में एकत्रित होना। इसलिए उनका गाना कभी ओवर इमोशनल नहीं हुआ, उनके उच्चारण में स्पष्टता थी, लेकिन एक रूखापन नहीं था, स्वीटनेस था लेकिन तोतलापन नहीं था। तो इतनी सारी चीजें हैं, हर संगीतकार का टेम्परामेंट समझ के गाना। हमारे यहाँ जितने भी संगीतकार आए, अपना अपना एक रंग लेके आए। नौशाद साहब एक अलग रंग लेके आए, अनिल विश्वास अलग रंग लेके आए, शंकर जय किशन अपना अपना रंग। कितने संगीतकारों के पास लता जी ने गाया, देखिए क्या हालत हुई होगी। हर संगीतकार को समझ लेना, उसका टेम्परामेंट समझ लेना और फिर गाना। तो इतना कुछ किया है लता जी ने, अभिनय किया है, उनको मैं श्रेष्ठ अभिनेत्री मानती हूँ। क्या अभिनय किया है गले से, वो पूरी भावना उनमें एक सही मायने में दिखाई देती थी। और मैंने जैसे कहा कि उस भावनाओं को अस्तित्व दिया लता जी ने, तो इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताया। अब ये जानते हैं कि क्या किया है एग्जैक्टली, क्योंकि मुझमें जो एक संशोधक है वो सिर्फ इस पे संतुष्ट नहीं रहती मैं कि क्या बात है, वो तो दैवी है, हो गया। तो एक मेरी टेंडेंसी कि क्या है, क्या किया है, कुछ तो भी किया होगा, कुछ टेक्निक रहेगा उनका, तो उस टेक्निक के बारे में आपको बताती हूँ। लता जी का हम पर इतना बड़ा एहसान है कि हम तो सामान्य है, मराठी कमी मन तो पामर, हम लोग सामान्य है, हमारी ये क्षमता कहाँ। लेकिन संगीत परमेश्वर के प्रति जाने का एक रास्ता है, ऐसा हम मानते हैं। हमारे शास्त्रों में हम ऐसा मानते हैं, हमारे धर्म में मानते हैं कि संगीत क्या है, भगवान के करीब जाने का एक रास्ता है। अगर ये सच है तो ये भी सच है कि ये रास्ता हमारे लिए लता जी ने केसर के खेत से निकाला। हमारी ये क्षमता कहा थी कि हम संगीत के माध्यम से उस मकाम पर पहुंचे। देखिए ये लता जी के हम पर अनगिनत उपकार है, और ये उन्होंने कैसे किया है। आवाज पर कंटिन्यूसली प्रयोग करना। अब मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी उनका, लेकिन उसके पहले मैं ये बताऊंगी कि लता जी ने वॉइस कल्चर को कैसे अपनाया था। अब मैं आपके साथ एक आवाज में बात कर रही हूँ, मेरे पास ये तो आवाज एक है ही, मेरे पास ये भी आवाज है,
और मेरे पास ये भी आवाज है, ये आवाज है, ये आवाज है, ये आवाज है और ये भी आवाज है। ये है वॉइस के तीन पर्दे हैं, इन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं। तो इन पर्दों का सही मायने में इस्तेमाल करना, उसी से भावना आती है संगीत में। एक ही पर्दे पर अगर आप गाते हो तो इमोशंस कभी आप उसमें ढाल नहीं पाओगे। तो एक टेक्निक लता जी का जो विश्व में यूनिक है, उसी टेक्निक से कोई मतलब उसका कोई जोड़ ही नहीं है, और बाद में वो उनका घराना बन गया। शी इज अ स्कूल, व्हाई शी इज अ स्कूल, वो टेक्निक उन्होंने डेवलप किया और उसी से हम मानते हैं कि उनके संगीत में, उनके गायन में ओमकार है। ओमकार हमारे यहाँ बहुत सारे लोग योग करते होंगे, प्राणायाम करते होंगे। हम ये मानते हैं कि उत्पत्ति, स्थिति और लय है ना, उत्पत्ति निर्माण होना, एक ठहराव आना और उसका लय होना, ये सब जो रचनात्मक क्रम है वो लता जी के गायन में है। अब उनका गाना सीख रहे आपको सुनाती हूँ और फिर उस शब्द पर लता जी ने ये कैसे मॉड्यूलेट किया वो भी आपको बताऊंगी।